Hello friends, in this video I'll discuss the JEE Main 2018 questions from the chapter Units and Measurement. तो इस वीडियो में 2018 के सभी ऑफलाइन ऑनलाइन पेपर्स में आए हुए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है. इसके अलावा इस चैप्टर के 2013 से लेके 18 तक सभी JEE Main ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर्स के सॉल्यूशन और नीट 2013 से लेके 18 तक के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं, जिसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. 2018 के ऑफलाइन पेपर के क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करते हैं. द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग थ्री साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास. तो एक क्यूबिक शेप का मटेरियल है जिसकी डेंसिटी हमें मेजर करनी है. तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम को अगर क्यूब दिया हुआ है तो उसकी साइड के क्यूब की फॉर्म में लिख सकते. तो अगर क्यूब की साइड की लेंथ है एल, तो डेंसिटी हो जाएगी एम अपॉन एल क्यूब. एम जो है दैट इज द मास ऑफ द बॉडी. आगे देखेंगे, इफ द रिलेटिव एरर्स इन मेजरिंग द मास एंड लेंथ आर रिस्पेक्टिवली 1.5% एंड 1%. तो रिलेटिव एरर मास में कितना दिया हुआ है, 1.5%. यूजुअली रिलेटिव एरर की जब बात की जाती है तो हम लिखते हैं एरर डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्वांटिटी. तो रिलेटिव एरर इन मास का मतलब हो गया डेल्टा एम बाय एम. अगर इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर आ जाता है. क्योंकि क्वेश्चन में 1.5% लिखा हुआ है, यानी कि हमें परसेंटेज एरर दिया हुआ था, तो मास का परसेंटेज एरर का मतलब हो गया डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 की वैल्यू है 1.5. सिमिलरली लेंथ के अंदर एरर दिया हुआ है 1%, यानी कि डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 इज गिवन एज. तो ये जो स्टेप है यहां पर 1.5% को हम किस तरीके से इक्वेशन में लिख सकते हैं, ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है. आगे देखते हैं, द मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी इज. तो मास और लेंथ के रिलेटिव एरर्स हमें दिए हुए हैं, तो उसकी मदद से हमें डेंसिटी के अंदर परसेंटेज एरर निकालना है. तो एरर्स का कॉन्सेप्ट कैसे निकलता है, अगर कोई क्वांटिटी फर्दर दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल यहां पर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, m की पावर 1 l की पावर -3. तो यहां पर दो क्वांटिटीज जब मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं तो उनके रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाते हैं. ठीक है, तो चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, रिलेटिव एरर को हम हमेशा ऐड करते हैं. तो d के अंदर रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल्टा d बाय d. यहां m की पावर 1 है तो हम लिखेंगे 1 इंटू डेल्टा m बाय प्लस एम जो है वो एल की पावर -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर दोनों के रिलेटिव एरर्स को ऐड करना है. एल की पावर में है टर्म 3, तो रिलेटिव एरर इन एल को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो डेंसिटी अगर एम की पावर 1 एल की पावर -3 है तो डेल्टा डी बाई डी को लिख सकते हैं हम 1 इंटू डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 इंटू डेल्टा एल बाय एल. तो पावर में यहां +3 हो या -3 हो, यहां पर रिलेटिव एरर की टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. आगे क्वेश्चन में चूंकि परसेंटेज एरर की बात हो रही है, ऑप्शंस में भी परसेंटेज दी हुई है, तो दोनों साइड्स को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 हो जाएगा 1 इंटू डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100. सभी टर्म्स को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब आप यहां पर देख सकते हैं डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 की जगह हम 1.5 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 वाली टर्म की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो यहां पर टर्म क्या बचेगी, ये वाली जो टर्म है यहां पर 1.5 डाल देंगे, तो 1 इंटू 1.5 प्लस 3 इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 की जगह डाल दूंगा मैं 1. ठीक, तो 1.5 और 1 की वैल्यूज हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 4.5%, यानी कि ऑप्शन 1 जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट ऑनलाइन पेपर का क्वेश्चन अब देखते हैं. अगेन रिलेटिव एरर के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है ये क्वेश्चन. द रिलेटिव एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज अल्फा. तो यहां पर क्या बात हो रही है, स्फेयर के सरफेस एरिया में रिलेटिव एरर की बात की जा रही है. तो सरफेस एरिया के लिए अगर मैं सिंबल ए यूज करता हूं तो रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए. ठीक, एरर इन द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्वांटिटी, इस रेशियो को रिलेटिव एरर बोलते हैं.
और स्फेयर के सरफेस एरिया में रिलेटिव एरर की वैल्यू क्वेश्चन में अल्फा दी हुई है। स्फेयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, 4 पाई r² वेयर r इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। आगे क्वेश्चन देखेंगे, देन द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर का रिलेटिव एरर हमें निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए सिंबल मैंने v यूज किया है, तो रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल्टा v बाय v। यहां पर वॉल्यूम का फॉर्मूला भी मैंने लिख लिया, 4/3 πr³। तो आप यहां पर देख सकते हैं एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूलाज में रिलेशन जो है वो रेडियस की टर्म्स में आ सकता है। तो हम रिलेटिव एरर इन एरिया को भी रेडियस की फॉर्म में लिखेंगे, रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम को भी रेडियस की फॉर्म में लिखेंगे, और उसकी मदद से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप ये देखते हैं, एरिया का फॉर्मूला है 4 πr², तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाय ए हो जाएगा, 2 times delta r by r। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो दो टर्म्स हैं 4 और π, ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट टर्म के अंदर एरर होता है 0। अब मेजरमेंट होना है रेडियस का, और रेडियस की पावर है 2, तो जो भी टर्म पावर में आती है रिलेटिव एरर में, वो टर्म साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाती है। बेसिकली जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके रिलेटिव एरर ऐड हो जाते हैं, तो आर स्क्वायर को लिख सकते हैं हम r multiplied by r। तो जब एरिया में रिलेटिव एरर निकलेगा तो पहले वाले रेडियस वाली टर्म से भी रिलेटिव एरर निकालेंगे, और दूसरी रेडियस की टर्म से भी रिलेटिव एरर निकालेंगे। तो जो भी टर्म पावर में आती है रिलेटिव एरर में, वो टर्म साइड में मल्टीप्लाई हो जाती है। पिछले क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट हमने लगाया था। सिमिलरली वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 πr³, तो 4/3 multiplied by π, दीज टू टर्म्स आर कॉन्स्टेंट्स, तो इनकी वैल्यूज में कोई एरर नहीं है। मेजरमेंट होती है रेडियस की, तो रेडियस के अंदर रिलेटिव एरर जो है उसकी मदद से वॉल्यूम के अंदर रिलेटिव एरर आएगा। रेडियस की पावर है 3, तो रिलेटिव एरर इन आर जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। जो भी टर्म पावर में आती है वो साइड में रिलेटिव एरर के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप देख सकते हैं डेल्टा ए बाय ए यानी कि रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सरफेस एरिया 2 delta r by r है, डेल्टा वी बाई वी यानी कि रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम जो है वो 3 times delta r by r है। दोनों टर्म्स को, दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे, तो सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा वी बाई वी डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा ए बाय ए। सिमिलरली राइट हैंड साइड्स को भी डिवाइड कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में है 3 delta r by r, फर्स्ट इक्वेशन में 2 delta r by r, तो जब डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा आर बाय आर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 3/2। ठीक, मैंने सेकेंड इक्वेशन को ऊपर लिया है, फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिया है। अब आप यहां पर देख सकते हैं डेल्टा ए बाय ए की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड हो रही है, तो वो राइट हैंड साइड में जाके उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा वी बाय वी हो जाएगा 3/2 times delta a by a। रिलेटिव एरर इन एरिया यानी कि डेल्टा ए बाय ए की वैल्यू क्वेश्चन में अल्फा दी हुई थी, उसको सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट करना है, तो डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा 3/2 times alpha, यानी कि ऑप्शन 1 जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑनलाइन पेपर का क्वेश्चन अब देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस एट विच क्वांटम ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स आर सिग्निफिकेंट, द प्लैंक लेंथ कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम अ सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल कॉन्स्टेंट्स g, h, cross and c। तो यहां पर क्या किया गया है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमें इंट्रोड्यूस कराई गई है, प्लैंक लेंथ, और ये बताया गया है कि ये जो क्वांटिटी है प्लैंक लेंथ, ये जी एच क्रॉस और सी पे डिपेंड करती है। तो यहां पर घबराने की कोई बात नहीं है, जब भी पेपर में इस तरीके से कोई नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कराई जाए जो आपने थ्योरी में नहीं पढ़ी है, तो ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड होते हैं, जहां हम उस नई क्वांटिटी को कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि एक नई क्वांटिटी है प्लैंक लेंथ, उसके लिए मैंने सिंबल एल यूज कर लिया है, और वो कॉन्स्टेंट्स जी एच क्रॉस और सी पे डिपेंड करती है। ठीक है, इनकी एक सूटेबल कॉम्बिनेशन हमें लेनी है, तो हमें नहीं पता इनकी पावर्स क्या थी, तो मैंने जी की पावर ले ली एक्स, एच क्रॉस की पावर ले ली वाई और सी की पावर ले ली जेड। यहां पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट h / 2π को हम h क्रॉस की फॉर्म में लिखते हैं,
और सी हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो एल को जी एच और एच क्रॉस और सी की कॉम्बिनेशन में हमें लिखना था, तो हमने उसको अज्यूम कर लिया जी की पावर एक्स, एच क्रॉस की पावर वाई और सी की पावर जेड। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द प्लैंक लेंथ, तो हमें प्लैंक लेंथ का एक्चुअल फॉर्मूला निकालना है, तो इफेक्टिवली हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यूज को पता करना है। तो कोई भी इक्वेशन अगर हमें दी हुई है तो सबसे पहले हम उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटीज की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है, फाइनल डायमेंशंस, वो सेम होनी चाहिए। एन इक्वेशन इज करेक्ट व्हेन इट इज होमोजीनियस फ्रॉम द डायमेंशनल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ जितनी भी क्वांटिटीज हैं सबको फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिख देंगे, एम एल और टी की फॉर्म में, और फिर लेफ्ट हैंड साइड एम एल और टी की अलग अलग पावर्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पे एम एल और टी की पावर्स के बराबर होना चाहिए रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहली टर्म थी प्लैंक लेंथ, क्योंकि ये एक लेंथ है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्टेंस, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी सिंपली एल की पावर वन। अगली टर्म है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो जी की डायमेंशंस को आप कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको डायमेंशंस याद नहीं है तो उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लिख देते थे एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हैं जी का रिजल्ट आ जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशंस ऑफ जी को डायमेंशंस ऑफ एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू से इक्वेट कर देंगे। फोर्स की डायमेंशंस होती हैं एम एल टी टू दी पावर माइनस टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आर का स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर है तो एल की पावर टू ले लेंगे, डिवाइडेड बाय एम वन एम टू, मास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एम की पावर टू आ जाएगी। तो यहां से आप टर्म्स को इकट्ठा करके देख सकते हैं एम की पावर माइनस वन हो गई है, एल की पावर थ्री है और टी की पावर माइनस टू है। तो ये क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन ये इस टाइप से छोटी छोटी कैलकुलेशंस आपको एज क्विकली एज पॉसिबल पेपर में करनी है। सिमिलरली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के बाद एच क्रॉस की बात करेंगे। एच क्रॉस क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो एच क्रॉस की डायमेंशंस के लिए उसके हम एच की डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट एच की डायमेंशन कैसे आती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला हमें मालूम है। एनर्जी की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। ठीक, और यहां पर इसको डिवाइड करना है फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन से। ठीक है, एच को लिख देंगे ई बाय न्यू। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, टी की पावर माइनस वन। ठीक है, वन अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हम अगर टर्म्स को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम की पावर वन रहेगी, एल की पावर टू होगी और टी की पावर हो जाएगी माइनस वन। ठीक, ऊपर माइनस टू है नीचे माइनस वन है, तो ये जो टर्म्स हैं मिलके माइनस वन बन जाएंगी। लास्ट में बचा स्पीड ऑफ लाइट सी, उसको सॉल्व करने के लिए अलग से जरूरत नहीं है, स्पीड के लिए डायमेंशनल एनालिसिस होता है एल की पावर वन टी की पावर माइनस वन, डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो यहां पर सभी जो टर्म्स हैं वो एम एल टी की फॉर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर ली हैं। ये कैलकुलेशंस अब मैं हटा रहा हूं। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में दोनों ये जो चारों टर्म्स हैं इनको एम एल टी की फॉर्म में हम डाल देंगे। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड की डायमेंशन। लेफ्ट हैंड साइड में है लेंथ, तो हम लिखेंगे सिंपली एम जीरो एल की पावर वन टी टू दी पावर जीरो। इसी तरह जी की पावर एक्स यानी कि एम की पावर माइनस वन एल की पावर थ्री टी की पावर माइनस टू की पावर एक्स। तो पावर की पावर एक्स है तो ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली एच क्रॉस की पावर वाई लेनी थी तो एम वन एल स्क्वायर टी टू दी पावर माइनस वन की पावर वाई ली है, और c की पावर z है तो m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर माइनस 1 की पावर हमें z लेनी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो पावर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, m की पावर माइनस एक्स एल की पावर 3x यहां पर माइनस 2x। सिमिलरली m टू द पावर y l टू द पावर 2y t टू द पावर माइनस y आ जाएगा, और लास्ट टर्म हो जाएगी m की पावर 0 l की पावर 1 इंटू जेड t की पावर माइनस वन इंटू सेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, m, l और t की टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे।
तो m की पावर माइनस एक्स, m की पावर वाई और m की पावर जीरो मल्टीप्लाई हो रही हैं ये तीनों टर्म्स। तो जब तीन टर्म मल्टीप्लाई होती हैं विद द सेम बेस तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा m की पावर माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस जीरो, एल की पावर हो जाएगी 3x प्लस 2y प्लस z और t की पावर है माइनस 2x माइनस y माइनस z। तो हमने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को m, l और t की फॉर्म में लिख लिया है। अब मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो अगर ये इक्वेशन बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड इंडिविजुअली m की पावर्स भी बराबर होनी चाहिए, L की बराबर होनी चाहिए पावर्स और T की भी पावर्स को हमें बराबर करना है। तो 0 हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई के बराबर, 1 हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस z के बराबर और टाइम की पावर को इक्वेट करेंगे 0 हो जाएगा माइनस 2x माइनस y माइनस z के बराबर। इन तीनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो x, y और z की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन में से हमने देखा x इज इक्वल टू y हमारे पास आ गया है। अब आप नोट करेंगे अगर हमारा थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है पेपर के दौरान तो हम नोट करेंगे x और y की वैल्यू बराबर लेनी है, यानी कि g की पावर और h की पावर जो है वो सेम है, x और y बराबर है। तो आप ऑप्शंस में देख सकते हैं कि यहां पहले में g की पावर 1 है, h क्रॉस की पावर 2 है, दूसरे ऑप्शन में g की पावर 2 है, h की पावर 1 है, तीसरे ऑप्शन में जी की पावर हाफ है, एच क्रॉस की पावर 2 है, सिर्फ चौथे ऑप्शन में जी और एच क्रॉस दोनों की पावर सेम है। तो यहां पर थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड से मैंने फटाफट देख लिया कि ऑप्शन 4 जो था सिर्फ वही मैच हो रहा था, लेकिन जरूरी नहीं है पेपर में एकदम से ऐसी चीज ध्यान में आए, अदरवाइज हम क्या करेंगे फर्दर इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। तो वो सॉल्यूशन भी मैं करके दिखा देता हूं। एक्स इक्वल टू वाई सेकेंड इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहां पर y की जगह x पुट कर देंगे, हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 2x प्लस z, यहां से z आ जाएगा 1 माइनस 5x। अब y को भी x की फॉर्म में और z को भी x की फॉर्म में हमने लिख लिया है, ये थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस 2x माइनस x यानी कि माइनस 3x माइनस z, z की जगह 1 माइनस 5x मैंने पुट कर दिया। फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहां से x की वैल्यू आपके पास हाफ आ जाएगी, यानी कि y की वैल्यू भी आपके पास हाफ आ जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 5x यानी कि 1 माइनस 5 इंटू हाफ, z की वैल्यू आ गई माइनस 3 बाय 2। यहां से लेंथ, ये जो प्लैंक लेंथ है इसका फॉर्मूला आ गया g की पावर x यानी कि g की पावर हाफ, h क्रॉस की पावर y यानी कि h की पावर भी हाफ और c की पावर z यानी कि c की पावर माइनस 3 बाय। यहां से आप देख सकते हैं अगेन ऑप्शन 4 जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑनलाइन पेपर का क्वेश्चन अब देखते हैं। द परसेंटेज एरर्स इन क्वांटिटीज p q r एंड s आर 0.5% 1% 3% एंड 1.5% रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे हमारे पास चार क्वांटिटीज p q r s दे रखी हैं और सभी की मेजरमेंट में आए परसेंटेज एरर्स हमें दिए हुए हैं। तो परसेंटेज एरर की फॉर्म में चारों वैल्यूज को सबसे पहले लिख लेंगे। P का परसेंटेज एरर का मतलब है डेल्टा P बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां पर मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा P को P की मीन वैल्यू से हम डिवाइड कर देते हैं तो वो हो जाता है रिलेटिव एरर इन P और उसको फर्दर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर इन P हमारे पास आ जाएगा। तो P का परसेंटेज एरर 0.5 दिया हुआ है, Q का परसेंटेज एरर यानी कि डेल्टा Q बाय Q इंटू 100 भी हमारे पास है 1, डेल्टा R बाय R इंटू 100 हमारे पास दिया हुआ है 3 और डेल्टा एस बाय एस इंटू 100 1.5% हमें दिया हुआ है। तो यहां पर चार क्वांटिटीज पी क्यू आर एस हैं, उनके रिलेटिव एरर्स को 100 से मल्टीप्लाई करके उनके परसेंटेज एरर्स हमें दिए हुए हैं। इन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ए, वेयर ए इज इक्वल टू पी टू द पावर 3 क्यू की पावर 2 डिवाइडेड बाय रूट आर मल्टीप्लाइड बाय एस। तो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी ए मेजर करनी थी और वो P, Q, R और S के ऊपर डिपेंड करती है, रिलेशन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो P, Q, R और S की मेजरमेंट की मदद से, उनके एरर्स की मेजरमेंट की मदद से हमें A के अंदर एरर का एनालिसिस करना है। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ A विल बी,
तो परसेंटेज एरर इन ए की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100। तो यहां पर फॉर्मूला की मदद से रिलेटिव एरर का रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। अगर कुछ क्वांटिटीज के मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से हमें आंसर मिल रहा है तो उन क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर ऐड हो जाते हैं। तो p की पावर 3 है तो 3 टाइम्स रिलेटिव एरर इन p ऐड हो जाएगा, q की पावर 2 है तो 2 टाइम्स रिलेटिव एरर इन q ऐड हो जाएगा, एंड सो ऑन। बेसिकली मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में अगर कोई टर्म पावर की फॉर्म में है तो रिलेटिव एरर से वो पावर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी वीडियो में ईयर 2018 के पहले दोनों क्वेश्चंस में भी मैं ये चीज आपको बता चुका हूं। तो r की पावर -1/2 हो जाएगी और s की पावर यहां पर -1 हमें दी हुई है। तो रिलेटिव एरर इन a हो जाएगा 3 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन p प्लस 2 टाइम्स द रिलेटिव एरर इन q प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव एरर इन r प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव एरर इन s। तो टर्म न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, बेसिकली टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, उनके रिलेटिव एरर्स जो हैं टर्म्स के वो ऐड हो जाते हैं और साथ में आ जाती है उनकी पावर वाली टर्म। तो p की पावर 3 है इसका मतलब 3 बार हमें p के रिलेटिव एरर को ऐड करना है, q की पावर 2 है तो हमें 2 बार रिलेटिव एरर इन q को ऐड करना है। तो अब हमें परसेंटेज एरर निकालना था तो रिलेटिव एरर की टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को ही हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहां हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 एंड सो ऑन। अब आप देखेंगे ये जो वैल्यूज हैं डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इसकी जगह हम 0.5 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100 की जगह हम लोग 1 सब्सटीट्यूट कर देंगे, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 की जगह हमें 3 सब्सटीट्यूट करना है, और सिमिलरली डेल्टा एस बाय एस इंटू 100 की जगह हम 1.5 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास टर्म बन जाएंगी 3 इंटू 0.5 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1.5। आगे आप इन टर्म्स को ऐड कर सकते हैं आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद, आपका आंसर आ जाएगा 6.5%, यानी कि ऑप्शन 4 जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर।